नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित एक ऐसे प्राकृतिक स्थान के बारे में जिसे सोशल मीडिया के कारण मिनी गोवा के नाम से पुकारा जाने लगा है। इस स्थान के प्राकृतिक नज़ारों पर पर्यटक मोहित हो रहे हैं। तो बताते हैं आपको मिनी गोवा की पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित कमला गांव मिनी गोवा के नाम से मशहूर हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण कमला गांव का चारों ओर से पवित्र माँ चंबल के आंचल से घिरा होना है। बता दें आपको कि कमला गांव का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, गांव की आबादी क्षेत्र से दूर दक्षिण में चंबल नदी के तट पर दो विशाल शिलाखंड स्थित हैं। इन शिलाखंडों में एबाबिल पक्षी की मिट्टी से बने सुंदर घोंसले होने के कारण इन्हें गांव में चिड़ी वाला पत्थर भी कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं दो विशाल शिलाखंडों की परिधि में चंबल अपना विराट स्वरूप लिए बहती है। पश्चिमी हवा होने पर चंबल की विशाल ऊंची ऊंची लहरें पानी स्थित किनारों को आकार देती है। इस प्रकार लगातार लहरों की मार से रेत ने जमा होकर किनारों को बीच का स्वरूप दिया है। यही कारण है कि आने वाले पर्यटक इसे मिनी गोवा की संज्ञा देने लगे हैं। दिन भर चंबल की लहरें किनारों से टकराकर अपने विराट स्वरूप का एहसास करवाती रहती है। दोस्तों, वेक वाटर से उठती लहरें समुद्र लहरों का एहसास करा रही है। कांच सा साफ पानी, किनारों पर हरी घास और बड़ी बड़ी चट्टानें मन को आनंदित कर देती है। दोस्तों, कवला गांव में स्थित भानपुरा का मिनी गोवा की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण सोशल मीडिया है। स्थानीय लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर इस स्थान की खूबसूरती की फोटो डालने के बाद धीरे धीरे इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दोस्तों, इस स्थान की यात्रा आप जब भी करें तो पूरी सावधानी के साथ करें, क्योंकि कवला गाँव का ये चंबल नदी का किनारा मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। इसके अलावा आप इस स्थान से संबंधित स्थानीय प्रशासन की बनाई हुई गाइडलाइन को भी अवश्य फॉलो करें। बता दें आपको कि भानपुरा का ये मिनी गोवा मंदसौर जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर और तहसील मुख्यालय भानपुरा से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, भानपुरा के मिनी गोवा के आसपास और भी कई पर्यटन स्थल देखने लायक हैं, जिनमें सुनारी, राड़ी वाले बालाजी, धर्मराजेश्वर, पोला डूंगर, हिंगोरी जलप्रपात, शंखो द्वार, साठखेड़ा कालेश्वर मंदिर, दूधाखेड़ी माताजी, भानपुरा संग्रहालय, भानपुरा की छत्रियाँ, छोटे बड़े महादेव, हिंगलाजगढ़ माता मंदिर, हिंगलाजगढ़ का किला, चतुर्भुज नाला, गांधी सागर बांध, गांधी सागर अभ्यारण्य, हिंगलाजगढ़ रिसोर्ट, बोट क्लब आदि शामिल हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए स्थान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भानपुरा।